नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों इस वक्त की जो है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेके, वरुण चक्रवर्ती को लेके। वरुण चक्रवर्ती इंडिया के T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं और युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऐड किया जा सकता है, ऐसी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो भाई क्या है पूरा माजरा इस वीडियो में आपको बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन गेमिंग प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, जहाँ पे आप जो है घर बैठे लाखों रुपीस कमा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपके स्क्रीन पे जो है एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इनको जो है फटाक से व्हाट्सअप कीजिए। ये जो है आपको आपके एक आईडी बना के देंगे और वो जो है आपको आपकी वेबसाइट पर लेके जाएंगे। वहाँ पर जो है ना आप क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस सब कुछ खेल सकते हो। मिनिमम जो है यहाँ पे 100 रुपीस का डिपॉजिट है और मिनिमम 100 रुपीस का विड्रॉवल है, जो कि आप लोग कभी भी एनी टाइम कर सकते हो। देरी मत कीजिए, इनसे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना मसला ये है कि जो वरुण चक्रवर्ती है भाई, उन्होंने खुद ऐसा कंप्लेन किया है हमारे बीसीसीआई को कि वरुण चक्रवर्ती को जो है आईपीएल के दौरान उनका जो घुटना है, जो उनका नी है, वहाँ पे जो है इंजरी का मसला हो रहा है, उनको जो है दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। अब भाई ऐसे में जो है वरुण चक्रवर्ती ने खुद भाई जो है कंप्लेन किया है, सामने से बोला है कि उनको जो है घुटने में पेन हो रहा है और वो प्रॉब्लम है। तब भाई ऐसे में जो है एक क्लोज मतलब कि जो मेंबर है भाई बीसीसीआई के बहुत ही नज़दीक है, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग जो है फिलहाल डाउटफुल है, बहुत ही टेंशन में है, चिंता में है कि आखिरकार हम लोग क्या करें, क्या वरुण के साथ में कंटिन्यू करें, क्या उनकी इंजरी वर्ल्ड कप तक ठीक हो जाएगी, या फिर हम लोग जो है चहल का परफॉर्मेंस देख के क्या उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह दे। इसमें जो है भाई बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न में फंसी है बीसीसीआई। अब दोस्तों दिक्कत की बात ये है ना कि अगर भाई वरुण प्रॉब्लम में है, वरुण पेन में है, तब जो केकेआर की टीम है वो वरुण चक्रवर्ती को लगातार मैचेस क्यों खिलवा रही है? क्या केकेआर की टीम को मालूम नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती कितने इंपॉर्टेंट मेंबर है टीम इंडिया के? क्या उनको वो लोग आराम नहीं दे सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए? ऐसे में जो है सोचने वाली बात होगी। यहाँ तक कि जो है मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज ने ये तक बोला था कि वो जो है हार्दिक पांड्या, उनको पता है कि वो इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसी के लिए जो है हार्दिक को स्टार्टिंग के मैच में वो लोग आराम दिए ताकि वो जो है वर्ल्ड कप तक ठीक रहे। अब दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि क्या केकेआर ने कंप्लेन किया है कि वरुण को भाई प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ कीजिए, या तो फिर ये हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती भाई खुद सामने से गए, भाई बताए बीसीसीआई को कि मुझे जो है घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है और आप लोग कुछ कीजिए। दोस्तों विराट कोहली जो है ये तक बोल दिए थे कि T20 वर्ल्ड कप में जो है वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए एक एक्स फैक्टर साबित होने वाले थे, मतलब कि वो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में खेल सकते थे। अब भाई ऐसे में अगर वो इंजर्ड रहेंगे, अगर वो 100% फिट नहीं रहेंगे, तब ऐसे में जो है मसला होगा कि क्या वरुण को T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में जगह होनी चाहिए। क्योंकि सेकेंड तरफ देखिए RCB के चहल का जो परफॉर्मेंस है भाई, जब से वो स्क्वाड में ऐड नहीं हुए हैं, चहल का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार UAE में काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जो मतलब कि सेलेक्टर्स हैं ना, वो मजबूरी में चहल को T20 वर्ल्ड कप में भाई कुछ भी करके उनको मतलब कि ऐड कर सकते हैं, चहल का परफॉर्मेंस देखते हुए। अब दोस्तों ऐसे में जो है दिक्कत की बात ये है कि वर्ल्ड कप में काफ़ी कम टाइम बचा है और सबसे बड़ा फैसला ये करना है हमारे बीसीसीआई को कि क्या वो लोग वरुण के साथ में कंटिन्यू करें या फिर उनको निकाल के चहल को जगह दे। ये जो है मतलब कि उनको सबसे बड़ा फैसला करना है। अब इसमें जो है ना बीसीसीआई शायद से कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, इनसे भी जो है कुछ सलाह मशवरा करेगी, तब जाके वो लोग कुछ फैसला करेंगे। इसको लेकर जो है कोई भी अपडेट हमारे पास में आती है, मैं आप सभी के साथ में जो है लगातार शेयर करूँगा, बस आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए।